जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो खबरों के बारे में बात करेंगे। एक खबर है बॉलीवुड के जो दबंग है सलमान खान, उन्होंने भारतीय नेवी के सैनिकों के साथ मिलकर जो 75वीं आजादी का जो जश्न बना रहा है देश, भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर झंडा फहराया है, उसके बारे में बात करें। दूसरी खबर है दोस्तों आरएसएस को लेकर। आरएसएस का रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों झंडा यानी तिरंगे की प्रोफाइल लगा दी और साथ में हेडक्वार्टर पर भी झंडा फहराया है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान को लेकर। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं सलमान खान, उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। उन्होंने दोस्तों जो देश के 130 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो आज़ादी के 75 साल बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग 75वीं साल गिरा आज़ादी का बना रहे हैं, जश्न बना रहे हैं। तो सलमान खान ने जो भारतीय नेवी है उनके सैनिकों के साथ मिलकर खूब फनी बातें करी हैं, खूब उनका हालचाल जाना है, उनके साथ डंपल वगैरह भी उठाए हैं और साथ में साथ उन्होंने झंडा भी फहराया है। तो सो एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, उनका बायकॉट करते हैं अनभक्त जो लोग हैं। उनकी अगर मूवी आती है तो उनका बायकॉट करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगते हैं, पाकिस्तान भेजने लगते हैं, देशद्रोही इन्हें कहने लगते हैं। पर सलमान खान ने इतिहास रच दिया और दिखा दिया कि वो भी देश प्रेमी है। उन्होंने भी दिखा दिया कि इंडियन नेवी के साथ मिलकर उन्होंने डंपल वगैरह और आज़ादी का जो 75वां साल है उसको जो देशवासी अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं, तो सलमान खान ने भारतीय नेवी सैनिकों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो लोग बायकॉट करते हैं, देशद्रोही कहते हैं और पाकिस्तान भेजने को कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। दूसरी खबर है आरएसएस को लेकर। आरएसएस वो संगठन है जिसने अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं फहराया। ये दोस्तों लिखा हुआ है और ये इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ये सच्चाई है कि आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। अब वो रिकॉर्ड टूट गया है दोस्तों। ट्विटर पर आरएसएस का जो ऑफिशियली अकाउंट है उसने तिरंगे की प्रोफाइल लगाई है और साथ के साथ जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने हेडक्वार्टर में 75वीं साल का जश्न झंडा फहराकर बनाया है, जो वीडियो स्क्रीन पर आप चलती हुई देख रहे होंगे। यानी जो ट्विटर पर प्रोफाइल कभी भी आज तक तिरंगे की नहीं लगाई आरएसएस ने, आज आरएसएस ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पर तिरंगे की फोटो लगा दी। ये तो आपकी क्या राय है इस दोनों खबरों के बारे में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।